पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने के मामले पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि उत्तराखंड में बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। साथ ही मामले में उत्तराखंड कार सीबीआई और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 11 जुलाई से पहले जवाब पेश करने को कहा है। बता दें, देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से छात्र यूकेपीएससी की ओर से आयोजित पेपर लीक होने के कारण सड़कों पर उतर रहे हैं। पुलिस इन बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन पूरे मामले में सरकार चुप है। सरकार पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ तो कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, लेकिन छात्रों को जेल भेज दिया गया, इसलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसमें हमने याचिका में सीबीआई जांच की मांग की थी। सीबीआई जांच की मांग उस तर्ज में की थी जो हिमाचल में अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुई थी, तो उसमें हिमाचल प्रदेश ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके तार देहरादून और हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। और अभी आप रिसेंट में देखेंगे कि यूकेपीएससी से जितनी भी भर्तियाँ हुई, सारी चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे वो वीडियो भर्ती हो और चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, सबकी भर्तियों में सब गोलमाल है। तो उनमें जो बच्चे हैं उनका सिर्फ कहना ये है कि सीबीआई जांच हो। तो कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लिया, कोर्ट ने गंभीरता से इसको लिया। महाधिवक्ता साहब इसमें स्टेट की तरफ से अपीयर हुए थे, 11 जुलाई की इसमें फर्दर डेट लगाई और कोर्ट ने कहा कि आप अपना जवाब फाइल करें। और कोर्ट ने कहा कि ये जो चीज़ हो रही है ये क्यों हो रही है रिपीटेडली हमारे स्टेट में, ये कोर्ट ने इसको 11 जुलाई 2023 की कोर्ट ने फर्दर डेट